बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शुक्रवार को जिला महिला चिकित्सालय और मैटरनिटी वार्ड बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कन्या जन्मोत्सव महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा सामूहिक रूप से केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। इसके पश्चात जिला महिला चिकित्सालय और बीआरडी मेडिकल कॉलेज विभिन्न सीएचसी में लगभग 100 नवजात कन्याओं के अभिभावकों को किट, हिमालय बेबी किट, कपड़े, तौलिया, मोजा और मिष्ठान के साथ जन्म प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान चिकित्सालय परिसर में प्रेरणादायक स्टिकर लगाए गए और अभिभावक को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी और वरिष्ठ अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर और अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, बेटी बचाओ अभी किया गया है। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि हम सबके बीच मुख्य विकास अधिकारी का भी आगमन हो चुका, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और राज्य महिला आयोग का अभिनंदन करने के लिए हम सब क्या महिला अस्पताल के आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसमें गर्ल चाइल्ड डे जिसके तहत जो हम लोग मना रहे हैं। और ये चीज़ें इस बार इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए है कि बच्चियाँ जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं और बच्चियों के जन्म को एक उत्सव की तरह मनाया जाए, जिससे कि ये ना माना जाए कि बच्चे लड़के ही सब कुछ हैं, लड़कियाँ उनसे ऊपर हैं, उनसे ज़्यादा इस समय सारे शासन में प्रशासन में सारे कार्यों में ये काफी आगे हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर अन्य जो बच्चा से सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही आप सभी जिनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं, जिनके यहाँ एक नया बेबी हुआ है और आप आज इस कन्या जन्मोत्सव में यहाँ पे हम लोगों के साथ इसको मनाने आए हैं। जैसा कि इसका नाम है कन्या जन्मोत्सव, आप लोगों को अभी मैडम ने भी बोला और भी अन्य जितने भी वक्ता हैं उन्होंने भी बोला कि हम इस चीज के लिए यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसको हम जन्मोत्सव क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है, जो कि बताया कि जो लिंग आधारित भेदभाव होता है उसको ठीक करना है। उसके साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करूंगी कि आज जो आप इस कार्यक्रम में जितनी माताएं और जितने परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पे शामिल हुए हैं, उन सबसे मेरा एक अनुरोध है कि इस उत्सव को जो हम लोग मना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं सरकारी कार्यक्रम है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की स्वास्थ्य संबंधी, आपके बच्चे का स्वास्थ्य और ये सभी जो भी आपके बच्चे के पैदा होने से संबंधित जो भी आपकी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि इसको सरकारी कार्यक्रम के तौर पे हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में ये एक ऋतु है। और मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग जब घर जाएं, अपने घर वापस जाएं, अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को इसका एक पॉजिटिव संदेश जरूर दें कि देखिए जब हमारे यहाँ एक बिटिया पैदा हुई थी तो हम इस तरीके से जन्मोत्सव में गए थे और वहाँ हमें सरकार की जो आवश्यक योजनाएं थी उन सबके बारे में बताया गया, हमें इस चीज की प्रेरणा दी कि भाई यदि आपके यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उस चीज को मनाया जाना चाहिए। ये एक पॉजिटिव संदेश जब आप देंगे तो आपके लिए एक छोटी सी बात होगी कहने की, लेकिन अगर आपके कहने से चार पांच गृहणियां भी और हमारे यहाँ आ जाती हैं और ऐसे इन सब योजनाओं का लाभ लेती है तो सरकार के लिए, आप सबके लिए और हम लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अगर हम एक महिला को भी लाभान्वित और कर पाए। तो आप सभी लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि जब आप वापस जाएं तो घर में चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी लोगों को इसके बारे में बताएं, योजना के बारे में बताएं, स्वच्छता के बारे में जो भी यहाँ पर अच्छी बातें आप लोगों को बताई जाती हैं उसके बारे में बताएं। और दूसरा अनुरोध ये है कि बेटियां आपके यहाँ हुई है, आप स्वयं देख रहे हैं, मैं खुद किसी की बेटी हूँ और मेरी खुद की दो बहनें हैं, और अगर मेरे माता पिता ने हमें पढ़ाई करने में पीछे रखा होता या हमें घर के काम के लिए ही सिर्फ रोक दिया होता, ये नहीं कहना चाहती मैं कि घर का काम बुरा है। आज के युग में पुरुष हो या महिला हो, घर का काम दोनों को आना चाहिए, दोनों को अपने
मेहनत भी की, और उसी तरह से अगर आपकी बिटिया को आप मौका देंगे तो वो भी बहुत मेहनत करेंगी। अगर आप बस अपना हाथ उनके पीछे रख देंगे तो बहुत मेहनत करती है लड़कियाँ। तो पुनः अनुरोध ये है कि अपनी बिटिया को यहाँ से हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, और आप ये इंश्योर करिए कि उसका पूरा जीवन जो है एक उत्सव की तरह निकले। आपके सहारे से आपकी बिटिया आपका नाम रोशन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पुनः मेरा अनुरोध आपसे ये है, धन्यवाद। आज के दिन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष में महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चल रही है, जो अभी वर्तमान में सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में एक है, उसके अंतर्गत ये बालिका जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया है। इस जन्मोत्सव के अंतर्गत यहाँ महिला चिकित्सालय में, BRD मेडिकल कॉलेज में, अन्य CHCs पे भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते हुए लगभग 100 से ज़्यादा बच्चियों को टारगेट किया गया है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इन सभी जो नई हमारी माताएं हैं जिनके यहाँ बच्चियाँ पैदा हुई हैं, उन सभी को एक हाइजीन किट, एक सैनिटेशन किट, कुछ कपड़े, कुछ इन सब चीज़ों को देते हुए बच्चों का जन्मोत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नई माताएं हैं और उनके परिवार वाले हैं, उनको एक कन्या के जन्म में उससे होने वाली जो भी सामाजिक हो या फाइनेंशियल हो और जो भी हमारी योजना इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है उसके संबंध में जागरूक करना और एक तरह से उनके अंदर एक खुशी का एहसास जगाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और इन योजनाओं के बारे में, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना आदि हैं, इन सभी योजनाओं के बारे में इनको जागरूक किया जाए। जी बिल्कुल, आज मैंने इस कार्यक्रम में भी यही संदेश दिया है कि जैसे कि मैं चूँकि स्वयं एक महिला हूँ, जैसे कि हमने भी अपने घर में देखा है, हमारे परिवार ने भी हमारे लिखाई पढ़ाई और जो भी हम लोगों ने जीवन में चाहा, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या जो भी हो, उसमें जो कि हमारे माता पिता ने, परिवार ने हमारे साथ काफ़ी सहारा दिया है और सपोर्ट किया है, मैंने उसी तरह से आज अपील भी की है सभी लोगों से कि आप लोग भी अपनी बच्चियों को उसी तरीके से आगे बढ़ाएं और उनको प्रोत्साहित करें, जिससे कि आगे जाके वो भी अपने लिए कुछ एक अच्छी जगह समाज में बना सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे राष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कायम किया है और जो कि अब विश्व स्तर पर पहुँच रहा है। और आज बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अंतर्गत बालिका और बालक, बालिका और बालकों के कल्याण कल्याण मंत्रालय, बालक और बालिका कल्याण मंत्रालय की ओर से आज विशेष रूप से ये दिवस मना कर करके मेरी बेटी मेरी शान, हमारा प्राण हमारी बेटियाँ, और हमारा देश का सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हमारे देश में भारत को वही माता के नाम से कहा जाता है और देवियों को भी पूजा जाता है, क्योंकि देवी को शक्ति और शिक्षा और लक्ष्मी के रूप माना जाता है। तो इसी के तहत आज यहाँ पर BRD मेडिकल कॉलेज में हमारे सरकार की ओर से वहाँ के करीब 35 माताओं को, बच्चों, छोटी बच्चियों को जो उनका जन्म हुआ था, नए जन्म हुआ था, उनको उपहार के रूप में दिया गया है, पूरे किट दिया गया है जिसमें के कपड़े हैं पूरे और उसके साथ साथ उसके पूरे नहाने और पाउडर वाउडर इत्यादि का सेट है, किट है, और साथ साथ मिठाई भी दिया गया उन लोगों को। इसी तरीके से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और भारी संख्या में हमारी छोटी बच्चियाँ भी आई थी जो कि केक काट करके आज बेटी दिवस का जन्म उत्सव को मनाया गया है।